हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो अक्सर बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है और बच्चों को कई बार इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आती। तो सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूँ जिसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने लॉन्ग मेथड से भी कर रखे हैं, मिल्क वाटर वाले, और वो देखने से आपको समझ आ जाएगा कि इसकी ट्रिक क्या होगी। वो वीडियो मैंने लॉन्ग मेथड से भी किया हुआ है और एलिगेशन से भी किया हुआ है। ये वीडियो आज मैं एलिगेशन से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट पड़ जाए, और अगर आपको लॉन्ग मेथड भी समझना है तो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ है वो जरूर देखना। तो क्वेश्चन क्या बेटा? ए बटलर, बटलर मतलब एक सर्वेंट है, स्टोल चुराई उसने वाइन फ्रॉम ए बट ऑफ शेरी। यहाँ पे इस लाइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक कंटेनर होता है वाइन का और जिसकी कैपेसिटी होती है 475 लीटर। हमें उसमें नहीं पढ़ना, हमें मतलब बताना जी, एक कंटेनर है वाइन का, बट ऑफ शेरी, शेरी इज ए काइंड ऑफ वाइन जो व्हाइट ग्रेप से बनी होती है। ये मेरे को नेट से ही पता लगा है, मुझे भी नहीं पता ये वाइन वगैरह का क्या कॉम्पोजिशन वगैरह है। ये एक शेरी एक काइंड ऑफ वाइन है। आई एम ए टी टॉटलर, यू डोंट वरी एट ऑल, विच कंटेन 30% ऑफ सिप, उसमें 30% स्पिरिट। वाइन की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है उसमें स्पिरिट कितना है, ठीक है। और उस बंदे ने क्या किया, उस सर्वेंट ने क्या किया, ये जिसमें जैसे मान लो ये वाइन की बोतल मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये वाइन की बोतल, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसमें कितने परसेंट स्पिरिट था बेटा? 30%। अब उसने कुछ चुराई होगी, हमें क्या पता कितनी चुराई, जितनी भी उसने चुराई उसने किस वाली से रिप्लेस कर दिया? 12% वाली से रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ, मैं दोबारा बोतल बना के दिखा देता हूँ, यही बोतल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसने 30% में से कुछ चुरा के, ये जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, ये ब्लू पार्ट इसने चुरा लिया ये, और किससे रिप्लेस कर दिया? 12% वाली से। तो अब जो एक नया मिक्सचर बन गया, दोबारा से एक नया मिक्सचर क्रिएट हो गया, ये इसमें 18% सिपरेट है, नेचुरल सी बात है। अच्छे वाली जो क्वालिटी थी जिसमें 30% स्पिरिट था और आपने रिप्लेस कर दिया 12% वाली से, तो ओवरऑल कितना स्पिरिट रह गया? 18%, ठीक है। अब एलिगेशन लगा लो, लॉन्ग मेथड तो मैंने वीडियो में बताया, वो लिंक में जरूर देखना। अब मैं एलिगेशन से ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एलिगेशन मेथड क्या कहता है? ये डियर वैल्यू है, ये चीप वैल्यू है। डियर सबसे बड़े वाली वैल्यू, चीप सबसे कम वाली वैल्यू, और मीन उनके बीच की वैल्यू। तो डियर माइनस मीन करते हैं, यहाँ 13 माइनस 30 माइनस 18 12 आ जाएगा, और 18 माइनस 12 6 आ जाएगा। तो वो जो नया मिक्सचर बना है ना, कौन सा मिक्सचर जिसमें 18% स्पिरिट है, ये उसमें अब क्या है? 30% वाली अगर वन पार्ट है तो 12% वाली टू पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, उसने कितनी वाइन या उस कंटेनर में से कितनी वाइन चुराई, ये मतलब है। अब लॉजिकली सोचो, पहले तो सारी की सारी 30% ही थी, अब कुछ उसने 12% वाली डाली चुरा के 30% वाली, तब 18% रही। मतलब अब एक ये है, दो पार्ट या टोटल 3 यूनिट है। पहले भी 3 यूनिट थे, लेकिन 3 के 3 यूनिट किसके थे? 30% वाली के। अब 3 यूनिट में क्या हुआ, 1 यूनिट तो 30% वाली रह गई और 2 यूनिट 12% वाली रहेगी। अब ये 12% वाली आने का कारण क्या है? क्योंकि तो आपने 30% वाली चुराई। तो जितनी 12% वाली का पार्ट है, 2 आउट ऑफ 3, अब जो 12% वाली है इस मिक्सचर के अंदर, 2 आउट ऑफ 3, उतनी तो उसने 30% वाली चुराई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2/3, क्योंकि ऑप्शंस में जो हमारे आंसर्स थे वो फ्रैक्शन में थे। जैसे एक आंसर था 1/3, एक 2/3, ठीक है, एक 3/5। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हुआ? 2/3। इस पॉइंट में आके बहुत बच्चे अटक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 1/3 लगा के आ जाते हैं आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना 2/3। क्यों है 2/3? फिर से सुनो, 30% वाली चुरा के 12% वाली डाल रहा है, कुछ पार्ट 30% वाली का चुराया और 12% वाली आ गई। एलिगेशन से मुझे पता लग रहा है कि 12% वाली का अब 2 यूनिट है और 30% वाली का अब 1 यूनिट है, तो टोटल 3 यूनिट है। 3 यूनिट तो पहले भी थी, 3 यूनिट अब भी है,
वाइन थोड़ा ना चेंज हो गया कैपेसिटी, क्योंकि जितना चुरा के चुराया उतना ही तो रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। तो जितना 12% वाली अब है जो कि पहले नहीं थी, ये 30% वाली को हटा के ही आई है, तभी 2/3 जो 12% वाली का उतना ही तो उसने 30% वाली चुराई थी, ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे से पहले कर देना ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो बताइए, ए जार फुल ऑफ विस्की 40% एल्कोहल, तो पहली में 40% और दूसरे में कितना है जी 19% एल्कोहल, और ओवरऑल में चुराया तो रिप्लेस किया या चुराया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कई बार चुराया दे रखा होगा, सिंपल रिप्लेस वर्ड यूज कर दिया, जिससे कितने परसेंट रह गई 26% रह गई। अब 26 - 9 कितना हुआ 7, और ये कितना हुआ माइनस करो 14, वही एलिगेशन लगा रहा हूं, ये डियर है, ये चीप है, और ये बीच वाली वैल्यू मीन है, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में, तो ये 1:2 है। और फिर से द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, कितनी रिप्लेसमेंट हुई, देखो वही लॉजिक सेम, पहले तो सारी 40% वाली थी, रिप्लेस किससे किया 19% वाली से, टोटल अब इन दोनों के पार्ट्स को ऐड करो तो 3 यूनिट तो पहले ही होंगे, क्योंकि रिप्लेस करके तो वही डाल लिया ना आपने, बस ये है कि 40% वाली कुछ हटा के 19% वाली डाल लिया, कैपेसिटी तो सेम होगी ना उस कंटेनर की। अब जितनी 19% वाली है उतनी ही आपने 40% वाली हटाई है, तो आंसर इसका भी 2/3। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा। अब सेम लंबे मेथड से भी कर लेना, जो वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड। आप ऐसे ऐसे डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, मैंने नंबर आपको कई वीडियोस में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर बेटा।